कतौली कतौली जानसठ के खलवाड़ा गांव में दंपत्ति की हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ कर पकड़ा, जबकि उसका साथी फरार हो गया। बदमाश को गोली लगने से एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश से सिपाही को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। घटना शनिवार देर रात की है। जी हाँ, आपको बता दें कि थाना प्रभारी संजीव कुमार अपनी टीम के साथ अलगंदा गंग नहर पुल के पास चेकिंग कर रहे थे। पुलिस ने गंग नहर की ओर से आ रहे बाइक सवार को रुकने का इशारा किया, तो वही बाइक सवार ने पुलिस पार्टी पर फायर झोंक कर भागने लगा, जिसमें पुलिस कांस्टेबल कुलदीप घायल हो गया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी। बदमाश ने भी फायरिंग की, जिसमें पुलिस के सिपाही कुलदीप को बाएं हाथ में गोली लगी और घायल हो गए। थाना प्रभारी ने पीछा करते हुए रेलवे के लोहे के पुल के पास बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस की ओर से जो गोली चली बदमाश को लेकर उसको साथ ही मौका देकर फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश जमन राम विनीत पुत्र धन सिंह उर्फ धनु निवासी जोरा थाना मनसूब बताया। फरार वो बदमाश अविनाश उर्फ गैड़ा गांव का ही रहने वाला है। बदमाश के कब्जे से तवंचा 315 बोर कारतूस बरामद हुए। मुठभेड़ स्थल पर पहुंचे सीओ राजेश कुमार ने बताया कि पकड़े गए बदमाश विनीत 26 अप्रैल को तानसर थाना क्षेत्र के कलवाड़ा गांव में थाना मनसूबपुर के चौरा निवासी हरपाल पुत्र तिरखा व उसकी पत्नी कौशल की हत्या रिक्शा में से खींच कर की थी। बदमाश विनीत हत्याकांड में वांछित चल रहा था। पुलिस आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने के साथ ही फरार साथी की तलाश में दबिश दे रही है।